हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूजीन गैलरी। फूल गोभी आजकल सीज़न में है, तो आज हम बनाने जा रहे हैं फूल गोभी से बने हुए स्वादिष्ट और नरम कुलचे। तो चलिए अब हम कुलचे बनाने की आसान रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कुलचे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मेजरिंग कप से नाप कर 2 कप मैदा लिया है। आप चाहें तो 1 कप मैदा और 1 कप गेहूँ का आटा भी मिला के ले सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 चम्मच मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा, थोड़ा सा नमक, नमक का इस्तेमाल कम करना है, 2 चम्मच पिसी हुई शक्कर डाल देंगे, 4 से 5 चम्मच डालेंगे दही और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे अच्छे से मिलाते हुए अब इसमें हम डाल देंगे 4 से 5 चम्मच रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल की जगह पे आप चाहें तो मेल्टेड बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। तो इसे मैंने अच्छे से मिला लिया है और अब हम पानी की सहायता से इसका आटा गूंथ कर तैयार करेंगे। हमें इसका सॉफ्ट यानी नरम आटा गूंथ कर तैयार करना है, जिस तरीके से नॉर्मल हम रोटी या फिर पराठा बनाने के लिए आटा गूंथते हैं। तो पानी एक बार में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और एक सॉफ्ट यानी नरम आटा गूंथ कर तैयार करेंगे। तो ये देखिए, आटे को गूंथ कर मैंने तैयार कर लिया है। हाथ में थोड़ा सा ऑयल या फिर बटर लेके इसे मसल के चिकना कर लेंगे, स्मूथ कर लेंगे। अब इसे हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं और इसके ऊपर से लगा देंगे थोड़ा सा ऑयल अच्छे से स्प्रेड करते हुए और इसे ढककर 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे सेट होने के लिए। तब तक हम तैयार करेंगे कुलचे के लिए स्टफिंग। तो स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई में रखा है पानी गर्म होने के लिए। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, पानी को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। तो पानी हमारा गर्म हो चुका है, तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज की फूल गोभी ली है, जिसे मैंने इस तरीके से टुकड़े में काट के अच्छे से धो लिया है। और अब गोभी के टुकड़ों को पानी में डाल देते हैं। तो गोभी को हमें ब्लांच करना है, तो इसे हम हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक ब्लांच कर लेंगे यानी उबाल लेंगे। 4 मिनट हो चुके हैं, गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे और इसे छान लेंगे और एक बार ठंडे पानी से धो लेंगे और इसे रख देंगे पूरी तरीके से ठंडा हो जाने के लिए। तो ये अब ठंडी हो चुकी है और अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और गोभी के टुकड़ों को इसमें डाल देते हैं। इससे हमें विप करना है यानी कि दरदरा पीसना है इसे हमें। तो इसे हमें लगातार चलाते हुए नहीं पीसना है, मिक्सर को बंद करते हुए चलाते हुए इसे हम पीसेंगे। ध्यान रहे, इसका हमें पेस्ट नहीं बनाना है, ये दरदरा पीसा होना चाहिए। तो इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो इसी तरीके से सारी गोभी को हम दरदरा पीस लेंगे। तो ये देखिए, मैंने गोभी को पीस लिया है और अब हम एक बोल लेंगे और पिसी हुई गोभी को इसमें हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे उबले और मैश किए हुए आलू। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का आलू लिया है, जिसे मैंने उबाल कर अच्छे से मैश कर लिया है। आप चाहें तो 2 मीडियम साइज के आलू को भी उबाल के मैश कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 मीडियम साइज की प्याज, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। प्याज को बारीक काटना है। साथ ही ऐड कर लेंगे 4 से 5 हरी मिर्च, जिसे मैंने बारीक काट लिया है, ताजी धनिया की पत्ती बारीक कटी हुई। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर,
एक चम्मच चाट मसाला पाउडर, इसकी जगह पे आप चाहें तो आमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुटी हुई काली मिर्च, गरम मसाला पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर, साथ ही ऐड कर लेंगे नमक। तो यहाँ पर मैंने काला नमक का इस्तेमाल किया है। इसे अच्छे से मिला लेंगे और अच्छे से मिलाते हुए इसका हमें डो बना लेना है। तो नमक और मसालों की मात्रा आपको अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट करनी है। आपको स्टफिंग कितनी तीखी और चटपटी रखनी है, तो ये देखिए इसे मैंने अच्छे से मिला लिया है। और अब इसकी हम छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। तो हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इस तरीके से इसकी हम छोटी छोटी बॉल्स बना लेते हैं। तो इस तरीके से हम सारी बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने सारी बॉल्स बना के तैयार कर ली हैं और अब इसे हम आधे घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए। डेढ़ घंटा हो चुका है, हमारा डो भी अच्छे से सेट हो चुका है। एक बार वापस से इसे मसल के चिकना कर लेंगे, स्मूथ कर लेंगे। अब इसे हम इस तरीके से रोल कर लेते हैं लंबाई में। और अब चाकू की सहायता से इसकी हम लोई काट लेंगे, जिस साइज के हमें कुलचे बनाने हैं उसके अनुसार। तो यहाँ पर मैंने सारी लोई काट ली है और इसे रोल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी लोई भी रेडी है और हमारी स्टफिंग भी अच्छे से सेट हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं कुलचा बनाने के प्रोसेस में। तो थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करेंगे और इसे बेल लेते हैं इस तरीके से। और इसके सेंटर में रखेंगे तैयार की हुई स्टफिंग और सारे किनारों को एक साथ लाते हुए इसे बंद कर लेंगे, जिस तरीके से हम आलू का पराठा बनाते हैं सेम उस तरीके से सारे किनारों को एक साथ लाएंगे और इसे अच्छे से बंद कर लेंगे। और वापस से सूखा मैदा डस्ट करते हुए इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, इसे हम ओवल शेप में बेलेंगे और इसके ऊपर से डाल देंगे धनिया की पत्ती और थोड़ी सी कलौंजी और वापस से बेलन चला लेंगे हल्के हाथों से, जिससे कि ये इसमें फिक्स हो जाए। ये देखिए इस तरीके से। तो इसी तरीके से हम सारे कुलचे बना के तैयार करेंगे सूखा मैदा डस्ट करते हुए। इसे हम बेल लेंगे जिस तरीके से हम रोटी बेलते हैं और इसके सेंटर में रखेंगे तैयार की हुई स्टफिंग। और सारे किनारों को एक साथ लाते हुए इसे हम बंद कर लेंगे। और वापस से सूखा मैदा डस्ट करते हुए इसे हल्का सा बेल लेंगे और इसके ऊपर से डाल देंगे बारीक कटी धनिया की पत्ती और कलौंजी और वापस से हल्का सा बेलन चला के इसे बेल लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे कुलचे बना के तैयार कर लिए हैं और अब हम चलते हैं कुलचों को सेकने के प्रोसेस में। तो कुलचों को सेकने के लिए यहाँ पर मैंने तवा रखा है गर्म होने के लिए। तवा हमारा गर्म हो चुका है तो कुलचे के पिछले हिस्से पे हम लगाएंगे पानी और एक मिनट तक मीडियम फ्लेम पे सेकने के बाद इसे पलट के हाई फ्लेम पे इस तरीके से सेकेंगे जब तक कि इस पर ब्राउन क्रस्ट नहीं आ जाते। तो ये हो चुका है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ से। तो इसे निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से बाकी कुलचे भी हम सेक लेंगे। कुलचे के दूसरे हिस्से पे लगाएंगे पानी और गरम तवे पे डाल देंगे कुछ
कुछ मिनट बाद इसे हम पलट कर हाई फ्लेम पे इस तरीके से सेक लेंगे ब्राउन क्रस्ट आने तक। तो इस तरीके से हम सारे कुलचे सेक लेते हैं। अब हम कुलचे को सर्व करेंगे। तो कुलचे को सर्व करने से पहले इसके ऊपर हम लगाएंगे पिघला हुआ मक्खन यानी मेल्टेड बटर, जो कुलचे के टेस्ट को तो बढ़ाएगा ही, साथ ही इसे नरम बनाए रखेगा। तो अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, फूल गोभी के गर्मा गर्म स्वादिष्ट और नरम कुलचे बन के तैयार हैं। कुलचे बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। इसे आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें। इसे आप छोले के साथ या फिर पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।